हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके किचन में रखी एक छोटी सी चीज़ के बारे में जो आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकती है। चौंकिए मत, आप इसका इस्तेमाल बहुत रेयर करते हैं, किसी ओकेजन पे करते हैं या फिर किसी स्पेशल डिश में करते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नॉर्मली रेगुलरी तौर पर करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ चिरौंजी के बारे में। ये आपके किचन में आपको मिल तो जाएगी, लेकिन आप इसके फ़ायदे बहुत कम ही जानते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको चिरौंजी के बेनिफिट्स बताने वाली हूँ और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। तो दोस्तों, चिरौंजी का इस्तेमाल हमारे घर में बहुत ख़ास मौक़ों पर किया जाता है, जैसे कि अगर हमने घर में खीर बनाई है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल डिश बनाई है तो उसे सजाने के लिए इस्तेमाल होती है। आप इसका इस्तेमाल काजू और बादाम की तरह भी कर सकते हैं। शायद ही चिरौंजी का इस्तेमाल आपने ऐसा कभी किया होगा, क्योंकि इसमें मौजूद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी वजह है। जी हाँ, इसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी ड्राई फ्रूट्स की तरह ही होती हैं। इसमें बॉडी को देने वाले इतने सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि चिरौंजी में जो सबसे अच्छी बात वो है, वो आपका डाइजेशन सुधारने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। आपके डाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो आप चिरौंजी खा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है चिरौंजी। इसके अलावा कई सारी ऐसी और बीमारियाँ हैं जिसे दूर करने में भी मदद करती हैं। तो चलिए, कुछ यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ इसके फ़ायदे, जैसे कि शारीरिक कमज़ोरी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल बहुत रेयर करते हैं। चिरौंजी जो है शरीर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मानी गई है। इसमें मौजूद प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिंस, शरीर को ताकत देने का काम करते हैं। आप रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में एक चम्मच चिरौंजी मिक्स करके पी सकते हैं, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहीं इसका दूसरा फ़ायदा होता है आपके डाइजेशन में। ये आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप इसे खिचड़ी में, दलिया में, उपमा के साथ खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप ये चीज़ें बनाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहीं इसका तीसरा फ़ायदा होता है जब आपको सर दर्द हो रहा होता है। जी हाँ, सर दर्द में काफ़ी इफ़ेक्टिव मानी जाती है। परेशानी अगर ज़्यादा बढ़ रही हो तो आप चिरौंजी खा सकते हैं। सर दर्द के इस्तेमाल के लिए आप एक चम्मच चिरौंजी जो है दूध के साथ पीसकर भी पी सकते हैं, या फिर आप चिरौंजी का पेस्ट बनाकर भी अपने सर पर लगा सकते हैं। वहीं खांसी में भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है। खांसी में अगर आपको राहत नहीं मिल पा रही है तो आप एक चम्मच शहद के साथ इसे पीस कर चाट लें। रेगुलर तौर पर आप इसे खाएं तो आपको खांसी में काफ़ी असरदार नज़र आएगी। चिरौंजी के काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर आप अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं तो भी आप चिरौंजी दूध में डालकर नॉर्मल तरीके से रोज़ खा सकते हैं। वहीं आप चिरौंजी को रात को भिगोकर सुबह उसका पेस्ट चाय में या दूध में मिक्स करके भी खा सकते हैं, आपको इससे भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि ये वेट लॉस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, तो आप इसे सुबह खाली पेट खाएंगे तो इसके फ़ायदे आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि छोटी सी चीज़ और इसे आप बहुत इग्नोर करते हैं, आपके किचन में भी रहती है लेकिन बहुत रेयर इस्तेमाल होती है। तो अब आप इसे रेगुलर तौर पर इस्तेमाल कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें लिखिएगा। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।